हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सनी शर्मा और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सोच पर प्रहार में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम की, और आज की इस वीडियो में कानून के साथ साथ मैं आपको प्रैक्टिकल अप्रोच बताने वाला हूं। जब भी कोई केस आता है तो कोई भी वकील ना केवल उसे कानून से बल्कि प्रैक्टिकल अप्रोच से ही सॉल्व करता है। तो आज मैं आप लोगों के सामने 90% प्रैक्टिकल अप्रोच की ही बात करने वाला हूं। एक्चुअल में होता क्या है, जब वाइफ किसी वकील के पास जाती है और कहती है कि मुझे अपने पति पर केस करना है, तो जो वकील साहब होते हैं वो उसको सजेस्ट करते हैं कि आप एक केस मेंटेनेंस का डाल दो, एक डोमेस्टिक वायलेंस का डाल दो, एक केस आप जो है दहेज का डाल दो। कई सारे केसेस डलवा देते हैं, जिसका मेन फंडा ये होता है कि हर केस में जब अलग अलग डेट लगेगी, पति अलग अलग डेट पर आएगा। और कई केस में ये भी होता है कि पति किसी दूसरे शहर में रहता है, मान लीजिए पत्नी मुंबई में मुकदमे डालती है और जो पति है वो जो दिल्ली में रहता है, तो उसे दिल्ली से मुंबई बार बार डेट्स पे जाना पड़ेगा। तो जो इंटेंशन होती है वो ये होती है कि पति को फ्रस्ट्रेट किया जाए, ताकि वो परेशान होकर पत्नी की बात को मानने पर मजबूर हो जाए। तो दोस्तों, यही फंडा है फ्रस्ट्रेशन, यानी कि जो खेल आपके साथ खेला जाता है, ये सेम खेल आप भी अपनी पत्नी के साथ खेल सकते हैं, अगर उसने कई सारे मुकदमे आप पर डाल दिए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं इस पर पूरी विस्तार से बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इस प्रॉब्लम से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। तो आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि जब भी मैं ऐसी कोई नई वीडियो लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। दोस्तों, अगर आप बिल्कुल सही हैं और आपकी पत्नी बिना वजह बिना मतलब आपको परेशान कर रही है, और आपको परेशान करने के मकसद से उसने कई सारे मुकदमे आपके ऊपर डाल दिए हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल अप्रोच बताने वाला हूं कि किस तरह से आपको इनसे निपटना है और अपनी समस्या से बाहर आ जाना है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जब आपकी वाइफ आपके ऊपर कोई मुकदमा डालती है तो कोर्ट से आपको एक नोटिस या समन आता है, जिसके बाद आपको कोर्ट में पेश होना होता है। तो आपको पहला स्टेप ये लेना है कि जब भी आपके पास वो समन या नोटिस आए, आपको उसे रिसीव नहीं करना है। अब ऐसे केस में होगा क्या, जो कोर्ट होती है वो आपको दोबारा समन भिजवाएगी। कई बार तो कोर्ट 3 दिन 4-4 बार भी समन भिजवाती है, बट कम से कम 2 बार तो भिजवाएगी ही। तो जब दूसरी बार समन आपके पास आता है, तब आपको उसे रिसीव करना है। अब इससे होगा क्या, कम से कम 2 से 3 महीने ऐसे ही निकल जाएंगे। अब समन मिलने के बाद जो भी उसमें डेट हो, उस डेट पर आपको कोर्ट में अपीयर जरूर होना है, ताकि आपकी वाइफ के पक्ष में एक पक्षीय निर्णय यानी कि एक्सपार्टी डिसीजन ना हो जाए। लेकिन आपको वहां अपीयरेंस लेने के बाद कोर्ट में जाना बंद कर देना है, यानी तारीखों पे जाना बंद कर देना है, और 2-3 महीने तक कोर्ट में नहीं जाना है। अपने वकील साहब के माध्यम से आप एक एप्लीकेशन भिजवा देंगे, मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं डेट पर नहीं आ पाया, या कभी आप ये भी लिख सकते हैं कि आप शहर से बाहर थे, मतलब कि आपको जेन्युइन रीजन बताना है कि आप क्यों कोर्ट में नहीं आ रहे हैं। और बड़े आराम से इस तरह से आप 3-4 महीने निकाल सकते हैं, और अपने वकील साहब को कह दीजिए कि जो उनकी पिटीशन होगी उसका जो जवाब होगा वो बिल्कुल एंड में दें, यानी कि जवाब देने के लिए समय निर्धारित होता है। मान लीजिए समय निर्धारित है 90 डेज का, तो बिल्कुल आखिरी वाले दिन पर जवाब दें, ताकि वो जो 3 महीने का टाइम है वो और निकल जाए। तो इस तरह से आपके मुकदमे के 4-5 महीने निकल जाते हैं, और जो आपकी वाइफ है वो इस बीच बहुत बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाएगी। तो जब भी हम लोग कोई केस लड़ते हैं, हमारी अप्रोच यही होती है कि सामने वाले को फ्रस्ट्रेट करना है। और वही प्रैक्टिकल पॉइंट जो कोई नहीं बताता है, वो मैं आपको बता रहा हूं, कानून का बिंदु नहीं है लेकिन बहुत जरूरी है। आप मत जाइए कोर्ट, अब 2 महीने 3 महीने 4 महीने हो गए, अब आपकी वाइफ परेशान हो जाएगी, क्योंकि 2-3 महीने तो तामीली में निकल गए और उसके बाद आप कोर्ट गए नहीं, 2 महीने आपने और निकाल दिए, 4 महीने हो गए। तो आपकी वाइफ को लगेगा मैंने पैसा भी खर्च किया, वकील भी किया, तारीखों पे भी आ रही हूँ, और सामने वाले बंदे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो तारीखों पर आ ही नहीं रहा है, वो आराम से अपना जीवन जी रहा है। तो अब फ्रस्ट्रेट वो होगी, और यही सेम काम आप सारे मुकदमों में करोगे, यानी कि वो डेट पे आएगी, आपने डेट पे नहीं जाना है। शुरू के 4-5 महीने बड़ी आसानी से किसी भी मुकदमे में इस तरह से निकाले जा सकते हैं, और 4-5 महीने बहुत बड़ा समय होता है। जो व्यक्ति मुकदमा डालता है उसका पैसा भी लगता है, उसमें टाइम भी लगता है, उसे आना भी पड़ता है, तो इन सब चीजों से आपकी वाइफ फ्रस्ट्रेट हो जाएगी। फ्रस्ट्रेट होकर कहीं ना कहीं से वो आपसे कॉम्प्रोमाइज के लिए कहेगी, इससे कहलवाएगी, और आप कोशिश करिए अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, कोर्ट के भारी बात खत्म हो जाती है तो बहुत बढ़िया। लेकिन मान लीजिए अगर अभी भी वो नहीं मानती है और मुकदमे को आगे बढ़ाती है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने एक वकील करके अपना जवाब देना है, पिटीशन का जवाब आप फाइल कर देंगे, उसके बाद इविडेंस का मौका मिलेगा आपकी वाइफ को। अब होता क्या है, जनरली जब इविडेंस चलता है तो उसमें 1-2 साल ऐसे निकल जाते हैं, और जब उसका इविडेंस पूरा हो जाएगा तो फिर इविडेंस का मौका मिलेगा आपको। अब जब आपको अपना इविडेंस का मौका मिले, तो आप इसमें भरपूर टाइम लगाइए, कोई जल्दी नहीं, आपको इविडेंस देना ही नहीं है, आपने कोर्ट को कहना है
कि भाई नहीं आ सकता था, कोई कारण लिख दिया कि मेरा गवाह किसी कारण से नहीं आ सकता, दूसरी बार आपने डेट ली, फिर दूसरी बार फिर आपने कोई रीजन लिख दिया, और रीजन ऐसे देना जो जेन्युइन हो, जिसे कोर्ट मान ले, जैसे किसी की तबीयत खराब है या फिर आपने कोई हॉस्पिटल का बिल लगा दिया कि भाई नहीं आ सकता। और ऐसे करते करते बड़ी आसानी से मैं आपको बताऊं, इविडेंस में प्रैक्टिकली हम लोग 5-5 साल भी निकाले हैं, ज्यादा नहीं, अगर आप 2 साल भी इविडेंस में निकाल देते हैं तो मुकदमे को चलते चलते 3 से 4 साल हो जाते हैं, और इतने टाइम में कोई भी व्यक्ति टूट जाता है। और कहीं ना कहीं आप देखना, अगर आप ऐसा करते हो तो कोर्ट के बाहर ही आपका कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा और आपकी जान छूट जाएगी। अब इससे आपको क्या फायदा मिला है? एक तो आपको कोर्ट के पछड़ों में ज्यादा नहीं पड़ना पड़ा, और दूसरा जो आपके ऊपर इतने सारे मुकदमों का बर्डन था वो सारा खत्म हो गया, क्योंकि जब भी कॉम्प्रोमाइज होगा आपने एक शर्त उसके सामने रखनी है कि भाई अपने सारे मुकदमों को वापस ले लें, उसके बाद ही कॉम्प्रोमाइज होगा। तो अगर आपको कुछ पैसे दे करके भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर रीजनेबल अमाउंट मांगती है तो आप उसे दे करके अपना पीछा छुड़ा लीजिए और अपनी नई लाइफ की शुरुआत कीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको पूरी तरह से प्रैक्टिकल अप्रोच बताई है जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से यूज करता हूँ कोर्ट के केसेज में, और 90% एडवोकेट्स इस चीज को यूज करते हैं, समझते हैं और इससे अपने क्लाइंट को रिलीफ दिलाते हैं। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।